हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप जब कभी भी अपने मार्केट में जाते हैं, ऑफलाइन शॉप पर जाते हैं, तो जब आप कोई भी एक 10 से 15 हज़ार के बीच का फ़ोन मांगते हैं, तो आपको केवल ये वीवो और ओप्पो के फ़ोन ही देखने को मिलते हैं। अगर आप कुछ पैसे में ऊपर बढ़ते हैं, जैसे प्राइस में अगर आप ऊपर बढ़ते हैं, तो आपको सैमसंग भी दिया जाता है, लेकिन मोस्टली आपको ओप्पो एंड वीवो के फ़ोन ही मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों है? वैसे आप अगर किसी दूसरे शॉप पर भी जाते हैं, जैसे आप अलग अलग अगर शॉप बाई शॉप जाते हैं, तो आपको वो वीवो या ओप्पो के फ़ोन्स ही सजेस्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या ऐसे स्टेटस हैं जो आपको शॉप ऑनर यही सारे स्मार्टफोन्स रिकमेंड करता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सारी डिटेल्स पर आपको वीडियो देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट नंबर का, वो ये है कि ओप्पो और वीवो ये तो ऐसी कंपनी है जो ज़्यादातर फोकस करती हैं ऑफलाइन मार्केट पर। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि क्यों ये ऑफलाइन मार्केट पर फोकस करती हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑफलाइन मार्केट की जो एक सेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल ऑनलाइन मार्केट की भी सेलिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में इतना कस्टमर होता है एंड जो कस्टमर होता है वो कहीं ना कहीं से वहाँ पर लेकर ही जाता है। ऑनलाइन मार्केट में अगर उसको वो रेट समझ में नहीं आते हैं तो सारे जगह एक ही होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में अलग अलग शॉप पर अलग अलग रेट के हिसाब से आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि लोगों को क्यों ज़्यादातर ओप्पो एंड वीवो को फ़ोन पसंद आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये, आप मेरे टेबल्स पर देख रहे हैं, इतने सारे फ़ोन रखे हैं जो कि वीवो के हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं फ़ोन, काफ़ी स्लिम है एंड काफ़ी अच्छी इनकी डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं, इनका जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं, अच्छा है। और ये जो लुक्स है, ये काफ़ी, मतलब एक प्रीमियम है, जो कि एक न्यू जो कस्टमर होता है उसे एक स्लिम फ़ोन चाहिए होता है, जिससे फ़ोन की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, स्लिम फ़ोन एंड काफ़ी अच्छा लुकिंग फ़ोन एंड वहाँ पर उनको क्या चाहिए होता है कि 4 कैमरे हों, मतलब कैमरा मॉड्यूल जो है वो उन्हें एकदम बेस्ट चाहिए। आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बेस्ट है, तो इस वजह से जो ओप्पो एंड वीवो है ऑफलाइन मार्केट पर कैप्चर करता है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में सेलिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पर इनकी भी सेलिंग काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की। सेकेंड नंबर का हमारा पॉइंट है, ओप्पो एंड वीवो आपको स्लिम डिज़ाइन देता है। जी हाँ, जो मतलब एक आप कह सकते हैं जो स्लिम डिज़ाइन है, और आप इतनी स्लिम नोट जो होते हैं, नोटों की इतनी स्लिम गड्डी रख लीजिए, उसका मतलब ये है कि आपको 10,000 रुपये में ही एक स्लिम और बेस्ट वीवो और ओप्पो के में फ़ोन देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोन्स क्यों इतने सस्ते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है, जहाँ पर आप लोग फोकस नहीं करते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न है, ये फ़ोन सस्ते होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनमें आपको ज़्यादा हैवी प्रोसेसर एंड ज़्यादा हैवी आपको फ़ीचर्स नहीं दिए जाते हैं, इस वजह से ये फ़ोन्स काफ़ी सस्ते होते हैं एंड इनकी जो क्वालिटी होती है वो, मतलब एक के आप कह सकते हैं मेड इन चाइना वाली क्वालिटी होती है, लेकिन ये क्वालिटी में अच्छे होते हैं, वर्क भी अच्छे करते हैं। जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जिनको ज़्यादा हैवी वर्क यूसेज नहीं होता है, उनके लिए ये फ़ोन्स काफ़ी बेस्ट हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा है कि मोस्टली ओप्पो एंड वीवो फोकस करता है मिड रेंज के स्मार्टफोन पर, जैसे 15,000 के नीचे के जो फ़ोन्स हैं, लाइक 10 से 12 हज़ार के, मतलब 70-80% लोग जो हैं वो 10 से 12 हज़ार का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं। और ये जो 10 से 12 हज़ार की फ़ोन का प्राइस है, जैसे यहाँ पर अगर हम 10-12 हज़ार के फ़ोन के प्राइस की बात करते हैं, तो ये फ़ोन जो है 10,000 और 12,000 के प्राइस में मिलता है, वीवो वाई ट्वेंटी। अब ये जो फ़ोन की क्वालिटी है, आप देख सकते हो हाथों में काफ़ी स्लिम है, काफ़ी पतला है एंड यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, साथ में वॉल्यूम की अप एंड डाउन देखने को मिलता है, सारे फीचर्स हैं और सिम इजेक्टर टूल, मगर कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बस यहाँ पर क्या है कि थोड़े आपको जो आप कह सकते हैं लाइव के जो आपका प्रोसेसर है यहाँ पर वो थोड़ा कम होता है, इस वजह से इन फ़ोन्स के रेट भी कम होते हैं। और जो डिस्प्ले वगैरह है वो तो 6.5 इंच 6.67 इंच देखने को मिल जाती है, इसलिए जो ओप्पो है वो मिड रेंज के स्मार्टफोन पर ज़्यादा फोकस करता है, इनकी सेलिंग भी काफ़ी हाई फाई है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी फोर्थ नंबर की हेडलाइन है वो ये है कि जो ओप्पो एंड वीवो है अपना एडवर्टीजमेंट में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से इनके जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके फ़ोन्स इनके 15,000 के ऊपर जाते हैं। जी हाँ, 15,000 के नीचे एक आधा फ़ोन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाए या फिर मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिल जाए, लेकिन जो 16-17-18 हज़ार के फ़ोन्स हैं वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इनके फ़ोन्स महंगे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर इनको मनी एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड करना होता है। ऑफलाइन मार्केट में जितना ज़्यादा दिखेंगे उतना ही ज़्यादा बिकेंगे। जी हाँ,
तो इस वजह से इनको मार्केट में अपना एडवर्टीजमेंट काफ़ी कराना पड़ता है, काउंटर्स लगाने पड़ते हैं, मतलब अम्ब्रेलास लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से मार्केट में इनकी ऑफलाइन मार्केट में इनकी काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ है, लोगों के प्रति ओप्पो एंड वीवो के फ़ोन से परचेस करते हैं। एंड जो लास्ट के हमारे पॉइंट्स हैं काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी आपके लिए नॉलेजबल होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों फिफ्थ नंबर का जो हमारा पॉइंट है कि ओप्पो एंड वीवो अपने स्मार्टफोन पर किस चीज़ पर फोकस करता है, जो 10 से 12 हज़ार के फ़ोन के प्राइस में वो किस चीज़ पर फोकस करता है जिस वजह से इतने ज़्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं। जी हाँ, हम आपसे बात करते हैं ओप्पो एंड वीवो के फोकस के बारे में। तो ये फोकस करते हैं कैमरा, म्यूज़िक, ये तो इनका मतलब एक नेम है ओप्पो कैमरा एंड म्यूज़िक, लेकिन यहाँ पर ओप्पो एंड वीवो सबसे ज़्यादा फोकस करता है कैमरा और बैटरी पर एंड डिज़ाइन पर। जी हाँ, डिज़ाइन के लगभग चेंज होते रहते हैं, लेकिन वही सेम फीचर से ये अगेन लॉन्च करते रहते हैं स्मार्टफोन्स को, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छे स्पेक्स और काफ़ी प्राइस पर भी बिक जाते हैं। ये फोकस करते हैं कैमरा पर, क्योंकि कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होने के साथ साथ ये फिल्टर्स लगा कर देते हैं अंदर से ही, जिसमें लोगों को क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखती है एंड लोग इनको परचेस करते हैं। एंड लोगों को चाहिए 5000 mAh की बड़ी बैटरी साथ में चार्जिंग, तो ये दोनों पॉइंट्स भी देते हैं। इस वजह से इनका एक मार्केट में बहुत ज़्यादा मजबूत एक यूनियन है, जो लोगों के मन में ओप्पो एंड वीवो के लिए एक बहुत रिस्पेक्ट है, वो बस इसीलिए कि ओप्पो और वीवो लोगों के मन में ऑलरेडी बसे हुए हैं। पहले मैं भी पसंद करता था, फिलहाल जब से मैंने थोड़ा हैवी वर्किंग यूज़ किया तब से मैंने ओप्पो और वीवो को बिल्कुल पसंद नहीं किया। आप कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा हैवी मतलब गेमिंग या मल्टीटास्किंग नहीं करते तो आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों ये 6 पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, ओप्पो एंड वीवो कैन नॉट गिव यू अ गेमिंग फोन अंडर 12,000। जी हाँ, 12,000 के नीचे आपको ये सारे ओप्पो एंड वीवो के फोन्स आपको गेमिंग फ़ोन नहीं दे सकते हैं। आप खेल सकते हैं गेमिंग खेलने के लिए, मना नहीं करेंगे, लेकिन ये गेमिंग फ़ोन्स नहीं हो सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मेरे पास ये है हमारा ये Realme 8, ये 14,000 रुपये में आपको एक बेस्ट तगड़ा गेमिंग फ़ोन है। जी हाँ, MediaTek Helio G95 का यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। अब इन फ़ोनों में ये जो 14-15 हज़ार के फ़ोन्स हैं ये हैं, ये 15,000 के आसपास है। एंड साथ में ये है, ये थोड़ा महंगा फ़ोन है, Vivo Y73 16,000 के आसपास है। एंड यहाँ पर एक दो फोन्स और महंगे हैं, जैसे ये Vivo Y21, ये भी 16,000 के आसपास है। ये भी इतने हैवी फ़ोन्स नहीं हैं जितने आपको 10 से 12,000 Realme और Redmi में गेमिंग फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बस ओप्पो और वीवो में यही एक डाउनग्रेड होने वाली बात है कि यहाँ पर आपको हैवी प्रोसेसर देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर मार्केट में जाएगा तो ये गेमिंग फ़ोन्स नहीं होते हैं। एंड लास्ट इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडलाइन कि क्यों सबसे ज़्यादा ओप्पो और वीवो के फ़ोन्स मार्केट में बिकते हैं। जी हाँ, तो ज़रा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो ओप्पो और वीवो है वो खुद में फ़ोन सेल नहीं करता है। जितने भी ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन सेल, तो ये केवल शॉप कीपर की वजह से होते हैं, जो शॉप ऑनर होता है उसकी वजह से इतने ज़्यादा स्मार्टफोन सेल होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर जो ओप्पो एंड वीवो है, मतलब पहले कुछ नोकिया होते थे वो क्या करते थे, नोकिया के फ़ोन अपने आप बेचते थे, तो उनका कहना था कि नहीं जी फ़ोन्स मेरे बेच रहे हैं, आपको केवल एक फ़ोन से 50-100 रुपये का मार्जिन देखने को मिला है। ये वीवो के फ़ोन्स पर मिनिमम 500 से 1,000 रुपये तक का बेनिफिट हो जाता है। एंड साथ में अलग से बहुत ज़्यादा और जो सेवाएँ हैं वो सर्विस मिलती हैं शॉप कीपर को, जिसमें उसको फ़ायदा होता है थोड़ा। उसमें क्या है, डीलर्स का भी फायदा, रिटेलर्स का भी फायदा, शॉप कीपर्स का भी फायदा, कस्टमर का भी फायदा हो जाता है, उसको कम रेंज में बढ़िया फ़ोन देखने को मिल जाता है, और शॉप कीपर को तो फ़ायदा होता ही है, जिसमें इस वजह से ओप्पो एंड वीवो मार्केट कैप्चर करता है। और जो ओप्पो और वीवो की मार्केट सेलिंग है वो केवल एक शॉप कीपर के हाथों में होती है, ना कि किसी होलसेल या फिर डीलर के हाथों में, ऐसा नहीं होता। केवल शॉप कीपर जो रिटेलर होता है, जो फ़ोन रिटेल में सिंगल सिंगल पीस करके बेचता है, उसी की वजह से सेलिंग होती है। तो इस बात को आप काफ़ी ध्यान देखिए, अगर वो चाहे तो कोई और स्मार्टफोन भी कस्टमर दे सकता है, क्योंकि कस्टमर ओप्पो एंड वीवो के ऑनर को नहीं जानता, वो केवल शॉप कीपर के ऑनर को जानता है। इस वजह से आप जब भी फ़ोन खरीदते हैं तो आप कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, कंपनी वाले नहीं, तो आप अपने हिसाब से एक बेस्ट फ़ोन मुझे दीजिए, ये कस्टमर का कहना होता है। तो इस वजह से आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा ब्रांड हम बेच रहे हैं, सॉरी ओप्पो वाले ऐसा ना सोचें। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो आपको कुछ तो समझ में आएगा क्यों ओप्पो एंड वीवो के फ़ोन ही मार्केट में इतने ज़्यादा। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए जहाँ पर आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए। तो बस आज इन टाइम मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।